भाइयों, क्या हाल है फौजी भाइयों और हमारे युवा साथियों। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो कि है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा पर आधारित। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझेंगे और इन क्वेश्चंस को हर एग्जाम्स में आता है, तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस को जो है वन बाय वन करके हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रश्न से मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ पहले प्रश्न से शुरुआत करूंगा आपकी। तो पहला हमारा प्रश्न आ चुका है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने आप का 9 गुना हो जाता है। याद रख लो मेरे बच्चों कि वर्ष एक साइड लिखो और गुना एक साइड लिखो, ठीक है। वर्ष कितने दिए हैं? 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से कितने वर्षों में, ये कितने यानी कि x में, वे 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा है कि कितने वर्षों में, यानी कि ये x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको क्या करना है आप याद रखिएगा, ये है चक्रवृद्धि ब्याज से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा स्पेशल चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है, साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने 9 का बेस, इसका बेस, इसका बेस इक्वल बनाना है, जैसे मैंने इसका बनाया 9 का, यानी कि 3 की पावर 2, और यहां जो 3 है अब उसका बेस भी इक्वल है, इसलिए ये जो पावर है ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर आ गया 6 वर्ष। कितने बार भैया? 6 वर्ष आंसर आ गया। बहुत ही सिंपली आपका पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फिर से करते हैं हम और प्रैक्टिस करेंगे। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने वर्षों में, ये निकालना है आपको, ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। क्या बोला मैंने? वर्ष एक साइड लिख लो और गुणा यानी कि उसका मल्टीपल जो है वो दूसरी साइड। 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। हर बार बच्चों एक याद रखना कि बेस इक्वल बनाना होता है, तो 8 का बेस यानी कि 2 की पावर 3, 2 दुनी 4 दुनी 8, यानी कि 2 की पावर 3। ये जो 3 है वो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके ईयर से, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है जो हर साल बढ़ता है, और जो गुना है वो यानी कि जिसकी पावर है वो सेम रहती है, इसलिए हम हर बार जो इससे सेम बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 3 गुना 5 यानी कि 15 वर्ष। ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है? लाइक शेयर और दबा कर कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों में। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही आप साथ साथ में ट्राई कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को कि मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वर्ष एक तरफ गुणा दूसरी तरफ, 4 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो कितने वर्षों में, क्या है ये रहा, कितने वर्षों में, जो कि हमने x माना है, कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 16 गुना करना है तो हमें इसकी आपस में क्या करना होता है, बेस इक्वल, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, तो 16 आ गया, तो बच्चों कितना आ गया? 2 की पावर 4, जो कि 4 से गुना हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया है। तो कितना आ गया? 16 वर्ष। बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप जो है गुना पर आधारित क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अगला सवाल फिर से ट्राई करते हैं,
तीन वर्ष में अपने आप का दो गुना हो जाता है। क्या है, मैंने बोला है वर्ष एक साइड में, गुना जो होगा उसका मल्टीपल वो दूसरी साइड, टाइम्स मतलब। तो तीन वर्ष में अपने आप का टू टाइम्स हो जाता है, ठीक है मेरा। टू टाइम्स इटसेल्फ इन थ्री इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी सेम मनी इन 64 टाइम्स, यानी कि 64 गुना कितनी समय में होगा। क्या बोला मैंने, 64 गुना, यानी कि हमें सेम बेस बनाना है तो दो की पावर कितनी आ जाएगी। देखिए, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौसठ, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौसठ, तो कितने आ गई दो की पावर, एक दो तीन चार पांच छह, दो की पावर कितनी आ गई मेरे बच्चों, छह। इस छह को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, वर्ष से मल्टीप्लाई करना है इसके, यानी कि आपका कितना आ गया, तीन गुना छह 18 वर्ष इसका सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न होने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में अपने आप का तीन गुना हो जाता है। क्या बोला है, 8 वर्ष में अपने आप का तीन गुना हो गया। मैंने जैसे आपको बताया वर्ष एक साइड में लिखना, गुना एक साइड, उसी दर से कितने वर्ष में, ये कितने वर्ष मतलब एक्स वर्ष में कितने, 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो अब 243 आपको आपको पता है इसका बेस ये बनाना है, तो इसको बेस चेंज करो, तीन को किससे मल्टीप्लाई, देखो तीन ही है क्योंकि तीन का बेस बनाना है, तीन तीये नौ तीये 27 तीये 81 तीये 243 होते हैं। तो तीन एक दो हो गया, तीन आ गया, चार आ गया, ये पांच आ गया, यानी कि तीन की पावर कितनी बन गई, पांच। इस पांच को किससे गुणा करेंगे, आठ से, क्योंकि पिछले वर्ष से करते हैं ना हम, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया, तो आठ गुना पांच 40 वर्ष में ये 243 गुना हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत लाजवाब हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ में जो है एक बार करके देख लीजिए। अगला सवाल है, छह वर्ष में दुगना हो रहा है तो कितने वर्षों में ये 32 गुना। मैंने ए टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं और इन टाइप्स को मैं आप परफेक्ट कर लीजिए। छह वर्ष में दुगना हो गया तो कितने समय में 32 गुना हो जाएगा। तो 32 को बना सकते हैं दो का बेस, तो दो की पावर कितनी आ जाएगी, कमेंट कर सकते हैं साथ साथ में, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, एक दो तीन चार पांच, तो दो की पावर कितनी आ गई बच्चों, पांच। इस पांच को किससे मल्टीप्लाई, छह से कर दीजिए, छह गुना पांच यानी कि 30 वर्ष में ये 32 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट पर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से याद रख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हैं वो इस प्रकार से आपको करने होते हैं जब गुना पर आधारित हो। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में दूसरा मेथड है। आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छह वर्ष में चार गुना हो रहा है। क्या बोला है, छह वर्ष में चार गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 32 गुना होगा, कितने वर्षों में ये 32 गुना होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कितने समय में ये 32 गुना होगा। अब यहां पर चार से तो बेस बन ही नहीं सकता, अगर मैं इसका और इसका कॉमन बेस देखूं तो इसकी दो दुनी चार होता है और ये दो 32, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, दो की पावर कितनी आई मेरे बच्चों, आई पांच आई, कितनी आई पांच आई। यानी कि अब देख लो लाडलो, ये समय, ये प्रश्न ये बदल गया है, यानी कि उस प्रश्न की तरह नहीं है, थोड़ा सा बदलाव आया है,
ठीक है, इस बदलाव की वजह से ही आपको क्वेश्चन पेपर में फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का डाला था कि आपको पता लग जाए। देखिए, 6 वर्ष में दुगना होना मतलब 2 हो रहा है, 2 × 3 = 6 यानी कि 3 साल में 1 बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो 5 है, क्या है 5 है, वो इस 3 से गुणा हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15 वर्ष, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 वर्ष। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने करना है, जो कि मल्टीपल से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, मैं आपके लिए लेकर आया था। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर न्यू यूजर हैं, और क्वेश्चंस हमारे नए बैचेस को ज्वाइन करने के लिए विजयपथ एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करें, एंड्रॉइड पर भी और iOS पर भी। तब तक के लिए बने रहें इसी चैनल पे, अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।